हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीईटी किंग। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंथेटिक डिवीजन का कंसेप्ट। अब इससे पिछली वाली वीडियोस में मैंने पूछा था कि अगर किसी को पॉलिनोमियल्स के डिवीजन में कोई भी डाउट हो तो वो बता सकता है, जिससे कि हम एक शॉर्टकट लेके आ जाएं डिवीजन के ऊपर। तो ये एक तरह से वही शॉर्टकट है। इसमें ना तो आपको बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी है, जो कि आप अपनी 8th या 10th क्लास में करते थे। इसमें तो भैया सिर्फ एक सिंपल टेबल बनेगी, उस टेबल को आपको फिल करना है और जो भी वैल्यूज होंगी वो आपकी रिमाइंडर होंगी और बची हुई कोशेंट। अब आखिर इस चीज को करना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है इस ट्रिक को, आओ अब वो देखते हैं। तो कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीटी किंग ने अपना लॉन्च किया है प्रोग्राम फॉर कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अब जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपका x प्लस 2 है इसे 0 के बराबर रख देना है। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी -2। टेबल बनानी है बिल्कुल इस तरह, जहाँ पे आप अपनी -2 को यहाँ लिखेंगे और इस इक्वेशन के कोफिशियंट्स यहाँ लिखेंगे 1, 8 एंड 12। फिर एक लाइन खींचेंगे, ये जो पहली वाली वैल्यू है ये एज इट इज नीचे आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -2 × 1 विल गिव मी -2, मैं यहाँ लिख दूंगा। 8 - 2 = 6। अब आपको मल्टीप्लाई करना है -2 × 6, ये आएगा मेरा -12। 12 - 12 = 0। तो ये जो 0 है ये हो गया आपका रिमाइंडर, आपको लिखना है ऐसे, मतलब ये हो गया आपका कोफिशियंट और 0 हो गया आपका रिमाइंडर। आओ अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। अब अगला सवाल कह रहा है कि इसे इससे डिवाइड करो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकाल लूंगा। कहां से, यहां से x + 3 = 0, तो यहां से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी -3। फिर क्या करूंगा, फिर टेबल बना दूंगा। टेबल बनेगी आपकी इस तरह, -3 आएगा यहाँ और इक्वेशन के सारे कोफिशियंट हो जाएंगे यहाँ। एक्स क्यूब का कोफिशियंट 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशियंट 0। यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट है -8। फिर आप पे बचा 3, वो एज इट इज। फिर यहाँ पे एक और लाइन, अब ये पहला नंबर एज इट इज। अब -3 × 1 - 3 और 0 - 3 = -3। फिर इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +9। सो -8 + 9 = +1। फिर क्या करेंगे, फिर इस -3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे पे -3 और 3 - 3 = 0। तो ये जो 0 आया है ये तो हो गया मेरा रिमाइंडर। और क्वेश्चन को लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था, तो ये हो गया आपका डिवाइड करने पे कोशेंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। है ना इजी ट्रिक। आओ अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, उसे डिवाइड करो x + 5 से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x + 5 को 0 के इक्वेट करूंगा और x की वैल्यू आ जाएगी -5। फिर एक टेबल बनेगी जिसमें -5 यहाँ आएगा और इस तरह से आगे एक्सटेंड हो जाएगी। फिर आगे क्या करना है, आपको सबके कोफिशियंट्स उतारने हैं। एक्स क्यूब का कोफिशियंट 2, एक्स स्क्वायर का 6, एक्स का -17 एंड 15 एज इट इज। एक लाइन खींची, पहला नंबर एज इट इज। अब -5 × 2 सर -10, तो वो आ जाएगा यहाँ 6 - 10 = -4। फिर आगे -5 × -4 विच वुड गिव मी +20, तो -17 + 20 वुड गिव मी 3। फाइनल स्टेप -5 × 3 वुड गिव मी -15, यहाँ लिखूंगा -15 और 15 - 15 = 0। मतलब ये हो गया मेरा रिमाइंडर और ये जो कोशेंट है उसे हम लिखेंगे इस तरह 3 + -4x + 2x². तो ये हो गया मेरा कोशेंट, ये हो गया मेरा रिमाइंडर। अब बताओ, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन थी, इसे हमने मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। आई होप कि ये शॉर्टकट आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपके एग्जाम में शॉर्टकट जरूर काम आएगा, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। Also, if you want to know any courses offered by CET King, then you can call or WhatsApp any of the numbers given below. All the best.